अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे क्या हुआ, आइए ना। जी माँ, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं अगर गलत लगा हो तो। वो कहा है कि अभी हमारा घर का जो स्थिति है ना, जो हालत है, उस हिसाब से हमको ना, हमको किसी पे भरोसा नहीं है, अभी नहीं खा पाएंगे। अरे क्या हुआ, हम पार्टी ऑफिस से आए हैं, आपको भरोसा नहीं है क्या हमारे ऊपर? माफ कीजिएगा, लेकिन इस समय हमको ना अपने परछाई पर भी भरोसा नहीं है। सारी जी जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या क्या कहा? नहीं कहा उसने, सारा प्लान चौपट हो गया। अरे बोलना था ना उसको। तेरी मान ही नहीं रही थी, जिद ठान ली थी। बॉस, प्लान फेल हो गया। अब क्या करेगा तू? कैसे दिलाएगा उस लड़की को फांसी? बॉस के दिमाग में है कुछ। देख मैं बाहर जा रहा हूं, तू यहां से हिल मत। चाहे पुलिस ही नहीं, वो राजू भी उस वीडियो के सच की तलाश में भटक रहा है। समझी? मैं निकल रहा हूं। बुआ जी, गलत तो नहीं किया ना हम? उनको बुरा तो नहीं लगा होगा ना? मने बहुत बेरुखे तो नहीं लगे ना? ओ, हम का बोले, हम सच में कह रहे हैं कि अभी जो भी हो रहा है ना इस घर में, हमको किसी पर भरोसा नहीं है। अजीब सा बेचैनी हो रहा है, हलचल हो रहा है, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुहू, तूने ठीक किया बेटा, एकदम ठीक। इस समय जो घर के हालात हैं, जो भी हो रहा है ना इस घर में, उसकी वजह से घर के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है, तो फिर इन अनजान लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वही तो। तू ठीक है, तूने ठीक किया, फिक्र मत कर। संजीव, साक्षी यही आई है, ये रही उसकी गाड़ी। लेकिन दादा, वो गई का? हमें लगता है अंदर होगी, जाके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, संजीव 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 संजीव, यहां से नहीं, पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, यहां से खतरा हो सकता है। जी चल, ठीक है। हम कुहू राजीव चंदेल जान दे रहे हैं, अपना मर्जी से, अपने होश हवास में उस रात हम अवधेश को मारे। हाँ, उस रात हम अवधेश को मारे थे, गुनाह के बोझ से दबे जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। कुहू भाभी, इम्पॉसिबल। बकवास, ये कुहू कैसे हो सकती है? कुहू नहीं हो सकती है ये। दादा, ये कुहू भाभी ही है। कोई फायदा नहीं है। एक सेकेंड, अभी कुहू को फोन लगाते हैं। हाँ बाबू। कुहू? हाँ कहिए ना। कुहू कहाँ हो तुम? हम घर पे हैं, और कहाँ रहेंगे? और आप ऐसे मुंह दबा के एकदम धीरे आवाज में काहे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? और आप और संजीव बाबू तो साथ में है ना, जो साक्षी मैडम से मिलने गए थे आप लोग? हाँ हाँ, संजीव हमारे साथ ही है। चलो ठीक है, तुम घर पे रहो, हम बाद में बात करते हैं। ओके, बाय 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 बाय। क्या हुआ? कुहू तो घर पे ही है, ये कुहू नहीं है, ये कुहू की हमशक्ल है। ये वो जो
वीडियो में लड़की थी ना, ये वो लड़की है। कुछ समझ रहा है? इनके आगे का प्लान? इनका प्लान ये है कि ये लोग कू को मारने वाले हैं और उसकी मौत को सुसाइड की शक्ल देंगे। लेकिन ये सबके पीछे है कौन? चल चल, हम ही अवधेश को मारे हैं। उस गुनाह के चलते गोली किसे मारी? पता नहीं दादा, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कू नहीं, कू की हमशक्ल। वो जो वीडियो में लड़की थी वो यही थी। अब अभी बाद में बात करते, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना, गोली लगी इसको। यो क्या क्या चल रहा है से इधर? जिस नंबर से मारे को वीडियो भेजा गया था, इस कॉल की लोकेशन मारी इंटेलिजेंस टीम ने यही बताई से, और मैं बाहर छुप के अपनी टीम का इंतजार कर रही से कि मन्ने कहीं हथियारबंद लोगों का अंदर होने का अंदेशा था। मैडम, वो आपका फोन कॉल सुन के हम आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब इसको हॉस्पिटल लेके जाते, इसका बचना बहुत जरूरी है। चलिए अभी, ये लड़की अभी आईसीयू में है, इसका ऑपरेशन चल रहा है, इसे गोली भी लगी है भाभी, और डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बच जाएगी, लेकिन गिरने से इसे बहुत चोट लगी है भाभी। ये तो तुम हमारा हमारा हो सकल है इसका, हमारे सकल वाले। पता नहीं भाभी, लेकिन जो नकली वीडियो था ना, उसमें भी यही लड़की थी भाभी। और भाभी, इन लोगों का ये अगला प्लान था कि आपको इस तरह से मारे कि ये सुसाइड लगे, इसीलिए भाभी ये लड़की उस सुसाइड के नोट की लाइनें रट रही थी। भाभी, जो कोई भी इस प्लान के पीछे है ना, उसके निशाने पे आप ही थी पहले से। अब देखिए ना भाभी, आप कुछ सोचिए, अब देश का पैसे चुराना, आपकी अलमारी में पैसे छुपाना, और फिर आपकी अंगूठी अचानक से गायब हो जाना और उस लाश पे मिलना, इस सब का मतलब ये है कि कोई आपको फंसाना चाहता है। ये प्लान था, सोचा हुआ प्लान आपको फंसाने का भाभी, बहुत ही शातिर और खतरनाक प्लान था। फिर अवधेश बाबू का मौत, ये षड्यंत्र में कौन कौन है और इसके पीछे कौन है? अभी वो तो हमें पता लगाना होगा, तभी हम अवधेश की हत्या के इल्जाम से आपको बचा पाएंगे। हमको अस्पताल लेके चलिए, जहाँ पे वो लड़की का इलाज चल रहा है वहाँ लेके चलिए हमको। सिंधु जी, हम अस्पताल के पीछे के दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, लेकिन प्लीज घर में अभी इस बात का किसी को खबर मत कीजिए। कहे कि कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, कौन इसके पीछे है, उसको पकड़ने का यही एक प्लान है। तो उसे नैना मिलाइके के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।